हजरत जो है हाजी मलंग सरकार के बाद आए हुए और कम से कम 700 साल हो गया हजरत को। अच्छा, यहाँ ऐसा था बारगाह में पहले जो है कोई अगर आसरात वाला आए तो एक ही दरवाज़ा था उस साइड पे जो ऑटोमेटिक बंद हो जाता था, जब तक आदमी अच्छा ना हो बाहर नहीं निकलता। और हजरत के दीदार का मामला है, कोई मरीज आता है, कोई अगर आता है ये असरातों में तो हजरत दीदार देते हैं और जो भी तकलीफ है उसको सामने दिखाई देती है और उसका रास्ता भी हजरत बताते हैं। और मैं तो खादिम हूँ यहाँ पे। अब कितने साल से यहाँ पे मैं? हाँ, मैं कम से कम 15 साल होने को आए। 15 साल होने आए। इनका उरूस कभी होता है? रजब की चांद की 9 तारीख। रजब की चांद की 9 तारीख। चांद की 9 तारीख की 9 तारीख। उर्दू की 9 तारीख को? उर्दू 9 तारीख। और ये मतलब कितनी पुरानी दर कितनी 700 साल 700 साल पुरानी मजार है। तो मतलब इसके पहले कोई यहाँ पे आया नहीं, क्योंकि ये गूगल मैप्स के ऊपर ये नहीं है इसकी जगह का लोकेशन नहीं है। मैं तीन बार गया, मैं तीन बार देखा, मुझे दरगाह दिखी तो, पर मैं अभी जा रहा था तो मैंने बोला गाड़ी रोको करके यहाँ पे, क्योंकि ये चीज गूगल मैप के ऊपर अभी तक आई नहीं है, इसके लिए मालूम नहीं पड़ता कि यहाँ पे दरगाह है करके। नहीं है दरगाह के बारे में, मगर आते बड़े दूर दूर से लोग आते बम्बई, ये तो सब पूरे एरिया में, ये तालुके में सबसे मेन दरगाह है। मेन दरगाह है हजरत का। हजरत का पूरा नाम बताइए और कुछ थोड़ी मालूम दीजिए इनके बारे में। हजरत सैयद पीर हमजा शाह रहमतुल्लाह अलैह, कलंदरी है आप। हाँ। और हसनी हुसैनी। हसनी हुसैनी है आपका, और लिखा हुआ है ऊपर। अच्छा, सजरा लिखा हुआ है। लिखा हुआ है और सजरे पाक वगैरह जो है ममदापुर गांव में। कहाँ? ममदापुर। ममदापुर गांव में सजरे पाक है इनका। हाँ, आप बताइए जो भी बताइए। आपने कुरान शरीफ जो लिखी है तो सोने के अल्फाज में कुरान शरीफ अपने हाथों से लिखी। अच्छा, तो ये जो कुरान शरीफ जो लिखी है यहाँ पे मौजूद? यहाँ पे नहीं है, ममदापुर में, गांव में है। गांव में है। अच्छा। हाँ, हजरत के मुरीदान भी है और खलीफा खलीफा भी है और अम्मा अम्मा जान है। अच्छा। बहने है। हाँ हाँ, वो परिवार है वो साइड पे। ये इस तरफ, ये तरफ। अच्छा, ये यहाँ पे दो खादिम है, वहाँ पे एक खादिम है। अच्छा, और वहाँ पे भी खादिम है उस साइड। मैं भाई नागपाड़ा से आया हूँ, बॉम्बे से आया हूँ। नागपाड़ा से आता हूँ मैं। नागपाड़ा में अपना अब्दुल रहमान शाह बाबा की दरगाह है। जी जी जी, बहुत बड़ी मदद अच्छे, बहुत वहाँ के डोंगरी के सुल्तान है। जी जी जी, इधर से। हाँ बताइए ना जरा इनके बारे में कुछ बताइए। आप इधर आओ। ये जो जो है, दो बहने हैं, अम्मा है और खलीफा है उनके, और परिवार है पूरा। वहाँ खादिम है, वो अंदर भी खादिम है, उनका खादिमा है। अम्मा जान कहाँ पे उनकी? वो ये दो दोनों बहने, बीच में अम्मा है वहाँ। अच्छा, नीचे जी, बीच में। बीच जी, में। हाँ, यहाँ खलीफा है हजरत के और परिवार है पूरा। इधर इधर संभाल। हाँ, हाँ, हाँ। मैं काफ़ी टाइम 2-3 बार यहाँ से गुजरा जी, मुझे समझ में ये नहीं हुआ। मुझे क्या कहते हैं कि बुलावा जब तक नहीं होता है और ये नहीं होता है तब तक आदमी पहुँचता नहीं है। आज फिर मेरा यहाँ से, मैं बोला आपको यहाँ पे रुकूँगा, मैं ये करके सलाम भी देते हुए निकलूँगा। देखा आपको वहाँ से घूम रहे हैं। हाँ,